यार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे दोस्तों आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे देखिए, काम सुबह सुबह से स्टार्ट हो गया है और आज का मौसम दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। ठंडा ठंडा सा मौसम है, धूप इतनी निकली नहीं है। दोस्तों आज हम सुबह ही सुबह से लग गए हैं काम में और अभी देखिए धूप नहीं निकली हुई है। सुबह के 6:30 ही बज रहे होंगे और मैं घर के काम कर रही हूँ और आस्था के पापा लग गए हैं दीवार जो कम देखिए पूरी नहीं हुई है। और जो बनाने वाले मिस्त्री अंकल थे, मामा जी थे, वो उन्हें दूसरे काम से कहीं और चले गए तो हमारा काम रुक गया है और इस वजह से हम खुद ही जो है अपने काम कर रहे हैं। तो आस्था के पापा आज खुद ही दीवार उठाएंगे। वैसे तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, इतना परफेक्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी आज चलो अब इतना सा ही रह रहा था तो इसीलिए आस्था के पापा खुद ही दीवार उठाने की कोशिश के थोड़ा बहुत हेल्प करवा रही है आस्था और आस्था के चच्चू यानी कि देवर। और आस्था के पापा दीवार उठा रहे हैं और यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए, मतलब सामान ला ला के देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं अपने ही काम में लगी हुई थी, घर के कामों में। और उसके बाद मैं बनाऊंगी इन सभी के लिए नाश्ता वगैरह, क्योंकि सुबह से ही काम में लग गए हैं तो भूख लग जाती है ऐसे कामों में। दोस्तों देख लीजिए, आज दीवार उठा रहे हैं आस्था के पापा खुद ही, आज मिस्त्री बन गए हैं क्योंकि मिस्त्री अंकल तो भाग गए हैं काम छोड़ छाड़ के। तो हम तीनों ही काम कर रहे हैं। हाँ, हम तीनों ही लगे हैं। एक वो चारवे अंकल जी बस यही यही धरो ना, उतर धर रहे हो। हाँ उतर ही धरो। दोस्तों देखिए, आज तक के पापा ने एक लाइन की दीवार तो धर दी है, एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने घर के और सभी काम करने के बाद आ गई हूँ खाना बनाने। और यहाँ पे कल सफाई हो गई थी, थोड़ा बहुत सूख गया है और थोड़ा भी गीला है। जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी छापी थी वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गीला है। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ भंडारे वाली सब्जी, आलू टमाटर की, बिना लहसुन प्याज के। तो ऐसे बहुत दिनों बाद आज बना रही हूँ और ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है पूड़ी के साथ खाने में। तो दोस्तों सब्जी भी देखिए बनकर तैयार हो गई है और इतने देर में आटा गूंथ लेंगे। तो पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया ताकि अच्छे से पक जाए और थोड़ा देर ज़्यादा पकाने में ये सब्जी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों देखिए, इन्होंने आस्था के पापा ने इतना काम कर दिया है और बिल्कुल सही चल रही है दीवार, ये देखिए। एक दो तीन चार, चौथी लाइन
चौथी लाइन कर रहे हैं पूरी। हमारे को मिस्त्री भागा ही होता हूँ, मैं ही अब कर रहा हूँ। और उठा तीन थे। तो दोस्तों बाहर सभी लोग लगे हुए थे काम में और मैं यहाँ पे सब्जी बन गई है और आटा भी गूंथ के रख लिया था, पूड़ी बनने लगी है। तो चूल्हा भी देखिए बहुत बढ़िया जल रहा है। तो दोस्तों लगे हाथ इन लोग भी खाने के लिए आ गए हैं। गरम गरम पूड़ी है, सब्जी है और आप सभी भी आ जाइए खाने। और बहुत ही स्वादिष्ट बना है आज का खाना। तो मेहनत किए कराए हैं, बिल्कुल थके हैं सभी लोग, मट्टी भी लग गई है और काम पूरा ख़त्म हो गया था। मतलब आज का जितना काम था वो हो गया है पूरा। और धूप देखिए अब आई है, लेकिन सही हुआ कि छाए छाए में ही पूरा काम निपट गया है। खाना खा रहे हैं अभी और आज इन सभी को जाना है नहर में नहाने, लेकिन वहाँ का वीडियो नहीं। तो मैं खाना परस दे रही हूँ, पानी आनी मैं लगा दे रही हूँ। थाली मैंने पहले ही लगा दी थी सभी की। और आज का जो काम है दोस्तों वो यहीं पे समाप्त हो गया। मतलब कि जो दीवार उठने का काम होना था वो भी और खाना पीना भी बन गया है, खा पी लिया है सभी लोगों ने। तो अब आ गई थी दोस्तों, कमरे की सफाई करी और उसके बाद यहाँ पे दरारें आ रही थी। ये जो स्लेब बनाई है इसके नीचे जो कल मिट्टी भरी थी इसमें बहुत ही ज़्यादा दरारें आ रही थी। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ी सी लिपाई कर देते हैं ताकि ये दरारें और ना बढ़े। बाकी दोस्तों यहाँ की पूरे ही कमरे की गोबर से लिपाई कल के ब्लॉग में होगी, क्योंकि आज अभी जहाँ तहाँ सूखी नहीं है, गीली है। तो इस वजह से और कल के दिन यहाँ पूरे में ही गोबर से लिपाई कर देंगे, उसके बाद सामान वगैरह रख सकते हैं। और अभी जो है हम यहाँ पे कलर नहीं करेंगे मिट्टी, क्योंकि बरसात का दिन आने वाला है और बरसात के दिन में खराब हो जाता है। हो सकेगा तो शायद कलर कर दें, लेकिन दीपावली के फिर बाद ही कर, दीपावली से पहले करते तो सही रहता, क्योंकि फिर दीपावली में भी कलर करना होगा और बारिश के दिनों में अगर बारिश आएगी तो वो कलर अगर पानी पड़ेगा तो खराब ना हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रख दिए थे, वास्ता सब हटा रही है। मैंने यहीं पे रख दिया था, खाना पीना बना रही थी तो ले आके धो के यहीं पे रख दिया था। और आस्था अभी हटा दे रही है इन सभी बर्तनों को यहाँ से, क्योंकि अभी जो है ये बंद नहीं है और धूल मिट्टी उड़ती है इस वजह से। तो दोस्तों मैंने नीचे की तरफ बोए थे करेले के बीज, और देखते हैं करेले के बीज हुए हैं या फिर नहीं। तो मैं और आस्था जा रहे, धूप तो अभी काफ़ी है लेकिन कोई नहीं, चलते हैं। तो दोस्तों करेले के बीज जो बोए थे ना, उसी में पानी डालने के लिए मैंने पानी ले लिया है, कि अगर नहीं हुए होंगे तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और धूप इतना हो रहा है कि मिट्टी जब गीली अगर अच्छे से नहीं रहेगी तो फिर बीज। दोस्तों इधर पे बोया था मम्मी ने, है उस डर पे है? अभी तो नहीं हो गए बेटा एक भी। तो दोस्तों वो तो उगे नहीं है करेले, तो हम टमाटर ही तो ले रहे हैं। चलो देखिए दोस्तों कितने लाल उगे हैं। एक बोरा, ये गर्मी के दिन है ना, इसलिए टमाटर लाल हो जा रहे हैं और ये खराब भी हो जाते। सही वो हिलाओ नहीं दोस्तों, एक इधर पे है। और पेड़ में तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए, गर्मी में यहाँ पे थोड़ी सी हवा लगती है क्योंकि खिड़कियाँ बनी हुई है, तो हम लोग यहाँ पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। और उस तरफ काफी सारी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। कच्चे से बाय बाय।